हमको तो यारा तेरी यारी। जान से प्यारी तू चाहे तोड़ दे, तुझको दीवाना कैसे छोड़ दे, कैसे छोड़ दे हमको। तभी पिक्चर में गुजरात के सीएम के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आना हुआ और गौतम अदानी जी की वेल्थ 2013 तक आते आते 11,400 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, यानी तकरीबन 12 साल में 32 गुना वेल्थ बढ़ गई। सितंबर 2013 ये वही महीना था जब बीजेपी ने अपना पीएम कैंडिडेट मोदी जी को चुना और इसके बाद अगले 8 महीने में गौतम अदानी की वेल्थ 3 गुना बढ़कर लगभग 35,000 करोड़ हो गई। इस बढ़ोतरी का कई विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि मार्केट को शायद पता है कि मोदी जी इलेक्शन जीतने वाले हैं और उनकी जीतने के बाद सबसे ज्यादा किसी शख्स को होगा तो वो है गौतम अदानी। यही नहीं, मई 2014 से आज तक मार्च 2020 लगभग 6 सालों में उनकी वेल्थ फिर से 3 गुना होकर लगभग 108,500 करोड़ हो चुकी है और वो आज इंडिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं मुकेश अंबानी के बाद। तो दोस्तों ये था उनकी वेल्थ के बारे में कि कैसे बड़ी। तो हम आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में जिसमें हम ये देखेंगे कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि गौतम अदानी मतलब अदानी एंटरप्राइजेस की वेल्थ उनकी मेहनत की वजह से तो बड़ी ही लेकिन उसमें काफी हद तक पॉलिटिकल हाथ रहा। गौतम अदानी लंबे समय से ही नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे हैं, उन दोनों की 2 दशक पुरानी दोस्ती है। उनकी दोस्ती की गहराई का पहली बार तब पता चला जब CII ने गुजरात दंगों में मोदी जी का नाम आने पर उनका विरोध किया था, जिससे गौतम अदानी काफी खफा हुए और उन्होंने एक नई ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिसर्जेंट ग्रुप ऑफ गुजरात का गठन किया। 2003 में मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पहला ट्रेड समिट वाइब्रेंट गुजरात ऑर्गेनाइज किया, जिसको सफल बनाने के लिए उन्होंने गुजरात के अंदर 15,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने का प्रपोजल दे दिया। 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए तब भी गौतम अदानी काफी चर्चा में रहे क्योंकि उन्होंने अपने 3 चार्टर्ड एरोप्लेन मोदी जी को चुनाव प्रचार के लिए मुहैया करवाए। जब मामले ने तूल पकड़ा तब बताया गया कि बीजेपी एरोप्लेन के इस्तेमाल के लिए अदानी को पे कर रही है, मगर सवाल यही आता है कि मोदी जी ने एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो इनके चार्टर्ड प्लेन क्यों नहीं लिए, क्यों उन्होंने अदानी के चार्टर्ड प्लेन लिए। दोस्तों जितना गौतम अदानी ने मोदी मसाल के तौर पर सबसे पहले ये फोर्ब्स एशिया की रिपोर्ट जिसमें बताया गया है कि तकरीबन 7,350 हेक्टेयर की जमीन अदानी एंटरप्राइजेस को बहुत ही सस्ते दाम पे दे दी गई। अगर इसका रेट किया जाए तो ये 1 सेंट से लेकर 45 सेंट तक आती है, यानी तकरीबन अगर हम मैक्सिमम साइड में जाए तो 40 रुपए पर स्क्वायर मीटर। तो 40 रुपए पर स्क्वायर मीटर में जमीन लेना और आगे 660 रुपए पर स्क्वायर मीटर में वो जमीन आगे सबलेट करना PSUs को, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को, इससे अदानी एंटरप्राइजेस ने काफी अच्छा खासा मुनाफा कमाया। दोस्तों तब 2014 में श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो वो अपने 4 साल के टर्म में 41 बार विदेश गए। इन ट्रिप्स के अंदर काफी बार ऐसा हुआ कि गौतम अदानी उनके साथ ही गए। अगर हम हिंदुस्तान टाइम्स की बात माने तो जहां जहां प्रधानमंत्री जाते हैं वहां वहां गौतम अदानी उनके साथ ही पाए जाते हैं। अब मैं कुछ ऐसी ऐसी डील्स के बारे में बताऊंगा जो फॉरेन जाके प्रधानमंत्री ने अदानी ग्रुप के लिए करी। जैसे कि जब वो 14 से 16 मई 2015 तक चाइना गए तब उन्होंने वहां पर 26 एग्रीमेंट साइन किए और जो सबसे बड़ा एग्रीमेंट था वो अदानी ग्रुप को दिया गया। प्रधानमंत्री की म्यांमार विजिट 6-7 सितंबर 2017। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्यांमार गए और उनको वहां पर यह पता था कि म्यांमार के पास इतने पैसे नहीं है कि वो कोई खास मेजर एग्रीमेंट साइन करे, तो उन्होंने क्या किया, म्यांमार को $500 मिलियन का लोन देने की पेशकश करी ताकि म्यांमार उससे डेवलपमेंट का काम कर सके। और उससे 4 दिन पहले ही अदानी ने भी म्यांमार को प्रपोज किया था कि वो आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे और डिफरेंट डेवलपमेंट वर्क्स करेंगे। तो ये नरेंद्र मोदी चाहते थे कि म्यांमार उनसे पैसा ले और वो पैसे से वो कॉन्ट्रैक्ट दे अदानी जी को ताकि अदानी वहां पर डेवलपमेंट करके वहां से प्रॉफिट कमा सके। पाकिस्तान दिसंबर 2015, मोदी जी की विजिट से सिर्फ 1 महीने पहले अदानी ग्रुप पाकिस्तान गया और वहां के पावर मिनिस्टर से 4,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करने का प्रपोजल दिया। ये एग्रीमेंट साइन भी हो जाता मगर उन्हीं दिनों दोनों कंट्रीज में टेंशन हो गई और ये एग्रीमेंट बीच में ही रह गया। बांग्लादेश की विजिट 6 से 7 जून 2015। 6 जून को जब पीएम बांग्लादेश गए तब अदानी पावर ने MOU साइन किया बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड सेटअप करने के लिए पावर प्लांट्स बांग्लादेश के अंदर। तो फ्रेंड्स ये ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फॉरन गए और वहां से ढेर सारे एग्रीमेंट्स अदानी जी को दिए गए। और अभी दोस्तों सबसे लेटेस्ट जो 6 एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो 6 के 6 की बिडिंग के अंदर अदानी जी जीते और 6 के 6 एयरपोर्ट्स अदानी जी को मिलने वाले हैं, जिसके अंदर अहमदाबाद, गुवाहाटी, जयपुर, लखनऊ, मैंगलोर और तिरुवनंतपुरम। इन 6 एयरपोर्ट्स के लिए जब बिडिंग की गई तब ऐसी लोकेशन रखी गई जिससे अदानी ग्रुप को ही मिले गए कॉन्ट्रैक्ट। तो सभी एयरपोर्ट्स के अंदर ऐसा ही हुआ, जब भी बिडिंग खुली तब सबके सब एयरपोर्ट अदानी के पास चले गए अदानी की जोड़ी चली। तो फ्रेंड्स ये सभी चीजें इंटरनेट रिसर्च से ली गई है और ये कहीं ना कहीं आपको छपी हुई मिलेंगी किसी न किसी न्यूज़पेपर में। मैंने सिर्फ इसको कंपाइल किया है, इसके अंदर मेरी ओपिनियन कोई भी नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तकरीबन